आईपीएल के पहले ही मुकाबले में हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस की टीम को जब हार मिली, रोहित शर्मा का गुस्सा इतना ज्यादा प्रचंड हो गया कि टीम की मालकिन नीता अंबानी के साथ ही कहां सुनी हो गई ड्रेसिंग रूम में साफ देखा जा सकता है रोहित कैसे नीता अंबानी की फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब पत्नी रितिका ने भी इस पर अपना बड़ा बयान जारी किया, तो चलिए बताते हैं क्या बोली पत्नी। लेकिन अगर आप भी रोहित को चाहते हैं दोबारा कप्तान बनाए जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के बाद हार्दिक पांड्या ने हर वह नीचे काम किया जिसकी जरूरत नहीं थी। रोहित जैसे अनुभवी और सीनियर खिलाड़ी की बेइज्जती करी, यहां से वहां दौड़ाया और उसके बाद कप्तानी भी ठीक तरह से नहीं करी, जहां पर उन्हें बल्लेबाजी के लिए खुद आना चाहिए था। उन्होंने मैनेजमेंट की बात को भी नजरअंदाज करते हुए डेविड को भेजो और अंत में उन्हें 6 गेंद में 19 रन चाहिए थे, तब वह अपना विकेट देकर मुकाबला को भी नहीं जीत सके। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा नीता अंबानी से ही सवाल जवाब करने लगे कि आखिर हार्दिक को कप्तान बनाया है लेकिन उसने किसी भी कोच या फिर अनुभवी खिलाड़ी की सलाह को नहीं माना, अपनी मनमानी करी और इस जीते हुए मुकाबले को भी हमारी टीम हार गई। वह खुद नीता अंबानी से जवाब मांगते नजर आए। लेकिन इस बीच पत्नी रितिका ने भी अपना बड़ा बयान जारी करते हुए कहा, जहां पर इज्जत नहीं हो वहां पर पीछे हटने में ही भलाई होती है। रोहित के साथ हुई बदतमीजी को बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। हार्दिक उनसे सीनियर खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उनके बाद भी उन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी और नीति मैम के साथ रोहित ने जो कुछ भी किया वह बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने इस चीज का जवाब मांगा, जब हम सब मिलकर एक टीम को आगे ले जाने का जुम्मा उठाते हैं तो फिर हार्दिक सिर्फ अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं, यह एक बेहतर टीम की निशानी नहीं है, रितिका ने कहा। नीता मैम के साथ रोहित ने जो भी सवाल जवाब की और जो कहा सुनी हुई वह ठीक ही था। इस तरह से रितिका ने अपनी बात करते हुए नीता अंबानी को ही जिम्मेदार ठहराया। लेकिन आप सभी इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।